तो इस समय हम आ चुके हैं काठमांडू मेडिकल कॉलेज के टीचिंग हॉस्पिटल में, और यह है काठमांडू मेडिकल कॉलेज का टीचिंग हॉस्पिटल। 900 प्लस बेडेड हॉस्पिटल, जो कि कोविड में 1200 बेड के हिसाब से अरेंज किया गया था, ये 900 प्लस बेडेड हॉस्पिटल आप अभी मैं आपको इसके अंदर जाके दिखाने वाला हूँ। ये सिनेमंगल एरिया है, एयरपोर्ट से बहुत ही नज़दीक, और जो स्टूडेंट्स नेपाल में पढ़ना चाहते हैं और काठमांडू में रह के पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है कि इसका जो हॉस्पिटल है उसका पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा है। करीब 1200 से 1500 पेशेंट्स का डेली इनफ्लो है, और उसकी वजह से इसके साथ डॉक्टर्स का रेपुटेशन भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो दूसरे हॉस्पिटल्स में काम करने वाले डॉक्टर्स होते हैं वो भी इस हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ रेपुटेशन फॉर देम। मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से काठमांडू मेडिकल कॉलेज में भी बात किया, तो यहाँ का जो फीडबैक है काफ़ी अच्छा है, और इसलिए काठमांडू मेडिकल कॉलेज इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट चॉइस फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। और अभी इस समय पे मैं काठमांडू मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के अंदर हूँ। इस साइड आप देख पा रहे हैं फार्मेसी, और इस समय पर हॉस्पिटल पेशेंट से ऑलमोस्ट खचाखच भरा हुआ है। ओपीडी का टाइम है, उस वजह से पूरा रश भी इस समय दिख रहा है। दोनों तरफ आप ये फार्मेसी देख पा रहे हैं। चलिए हॉस्पिटल को अंदर से देखते हैं। तो चलिए अंदर हॉस्पिटल को विजिट करते हैं, और एकदम जो एक जनरल हॉस्पिटल वाला जो फील है। तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर पैथोलॉजी लैब है, इस साइड ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चालू हैं, पीछे भी पैथोलॉजी लैब है, और ये ही कारण है कि नेपाल के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज यहाँ पर जो उनको क्लिनिकल एक्सपोजर मिल पाता है वो है, उसका कारण है यहाँ का हॉस्पिटल। बात यह है कि यहाँ का जो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है उसका फंडिंग पूरा गवर्नमेंट करती है, और इसीलिए यहाँ पर जितने भी गायनेकोलॉजी से रिलेटेड केसेज आते हैं, डिलीवरीज आती हैं, उन सब की फंडिंग से लेकर कैशलेस उन लोगों को पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलता है। साथ में उनको कई तरह के असिस्टेंस और सर्विसेज भी मिलते हैं, तो इसकी वजह से गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ का स्पेशली बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये है पूरा ओपीडी का वेटिंग एरिया, और साथ में ही कैंटीन, फार्मेसी, और ये है इसका कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। हाय, मेरा नाम है स्नेहती भट्टाचार्य, मैं कोलकाता से हूँ। मैं कोलकाता से काठमांडू में कॉलेज में पढ़ने आई हूँ, केएमसी में पढ़ने आई हूँ। स्टार्टिंग में तो इट वॉज वेरी अननोन, बहुत अनजाना शहर था, अनजाने लोग थे, आई डिडंट नो एनीवन हियर, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा था, बट धीरे धीरे हॉस्टल में रहते दोस्तों से मिलके बेटर हो गया। हम लोग का दो कैंपस है, एक दुआकोट में है, एक मेन सिटी सिनामंगल में। तो दुआकोट में फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर होता है, वहाँ पे 9 सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, और लास्ट सेकेंड ईयर में ICM, इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। फर्स्ट सेकेंड ईयर में एनाटॉमी के लिए कैडवर का हम लोग कैडवर से पढ़ते हैं, एनाटॉमी प्रैक्टिकल में, तो सारे बोन्स मसल सब कैडवर से पढ़ते हैं। फिर थर्ड ईयर से हम लोग सिनामंगल शिफ्ट हो जाते हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग्स चालू होती है हमारी। तो थर्ड फोर्थ ईयर में यहाँ पे मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडिया, ENT, ऑप्था, कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, ये सब पढ़ाया जाता है। और मेडिसिन के अंदर सारे सब डिविजन्स आते हैं, साइकाइट्री, ऑर्थोपेडिक्स, डेंटल, डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी वगैरह। और थर्ड ईयर में फॉरेंसिक में हम लोग पोस्टमार्टम भी करते, पोस्टमार्टम के लिए हेल्प भी करते। तो ये चार साल यहाँ पे इट वॉज़ अ नाइस राइड, अच्छे मेमोरीज है, बुरे मेमोरीज है, सारे मेमोरीज है, बट दोस्तों के साथ मिल के, पढ़ाई के साथ, कॉलेज में टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आप टीचर्स के पास जाके पढ़ने चाहोगे, वेरी गुड टीचर्स है, एंड कुछ टीचर्स आर रियली गुड इन प्रैक्टिकल्स एंड इन लेक्चर्स। तो इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर 4 years, एंड आगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पासिंग आउट फ्रॉम हियर एंड बीइंग अ डॉक्टर। मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी इसमें कि इंडिया का सिस्टम और यहाँ का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे एकेडमिकली हम लोग को क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, थर्ड ईयर से हम लोग को रोटेशन चालू हो जाते हैं, हम लोग पेशेंट से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं कंपेरेटिव टू इंडिया। और यहाँ पे मोस्टली वेस्टर्न सिस्टम ऑफ स्टडीज़ यहाँ पे फॉलो किया जाता है कि फर्स्ट 2 साल हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ते हैं, फिर थर्ड ईयर से हम लोग प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा घुसते हैं। तो इट्स अ प्लस पॉइंट टू स्टडी इंडिया, मतलब रोज़ जाके हम लोग का पोस्टिंग होता है सुबह, तो हम लोग जाके हिस्ट्री लेते, पेशेंट से बात करते, एग्जामिनेशन करते, फिर वो टीचर के सामने जाके प्रेजेंट करते, फिर टीचर के साथ हम लोग बैठ के डिस्कस करते वो केस।
कैसे ट्रीट करना है पेशेंट्स को, कैसे अप्रोच करना है पेशेंट को, वो सब मेरे को सिखाया। हेलो, आई एम शुभ्रा सोनी फ्रॉम बिहार। आई एम करेंटली स्टडिंग इन काठमांडू मेडिकल कॉलेज। आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट हेयर एंड माई एक्सपीरियंस इज क्वाइट गुड हेयर। लाइक आई एम इन द थर्ड ईयर एंड आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड माई बेसिक्स एंड हेयर द बेसिक साइंस आर ऑल्सो आई हैड अ नाइस एक्सपीरियंस। टॉकिंग अबाउट द कंपेरिजन, आई वॉज ऑप्टिंग फॉर द मेडिकल कॉलेज इन यूपी एंड थैंक गॉड आई डिडंट बिकॉज आई एम ग्रेटफुल टू बी इन द काठमांडू मेडिकल कॉलेज। व्हाई यू चूज स्पेशली काठमांडू मेडिकल कॉलेज? बिकॉज आई थिंक कंपेयर्ड, फर्स्ट थिंग इज द मनी दे आर चार्जिंग इन द यूपी कॉलेजेस एंड कंपेयर टू दैट द कॉस्ट हेयर इज अ बिट लो एंड द फैसिलिटीज आर मोर। लाइक यू विल बी गेटिंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस, लाइक यहाँ पे कैडवर्स का एक्सपीरियंस या फिर प्रैक्टिकल्स का एक्सपीरियंस ज़्यादा है यहाँ पे। आई गेस कि वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से यहाँ पे पेशेंट फ्लो ज़्यादा है, क्योंकि मैं अभी क्लिनिकल्स में आ चुकी हूँ। आई गेस कि यहाँ पे पेशेंट्स फ्लो ज़्यादा है, अराउंड 1000+ डेली पेशेंट्स फ्लो हैं। तो यू विल बी लर्निंग मच। द MBBS इज़ ऑल अबाउट क्लिनिकल नॉलेज, so you will be learning much here and the only barrier everyone thinks is the language. So I would like to inform ki Nepali language is not that difficult. Yeah, if you will try you can learn it very easily. Like I have tried and I know a bit of, so it's easy compared to if you will go in the south colleges, there the language of the local patients are difficult to understand, but here it's nice. Like for the Bihar or UP student is very easy because we already have so much regional language there, and for that it's easy to learn Nepali here. Like as a girl student yahan pe koi issue nahi hai girls ke liye bhi, it's very safe and I think ki Hinduism wagera bhi yahan pe bahut follow hota hai, so it's very safe here for the girl students also, especially jo log concerned hote hain iske liye. और टॉकिंग अबाउट मेस, खाना वो भी अच्छा है, लाइक सिमिलर है टेस्ट। यहाँ पे लोग थोड़ा ज़्यादा राइस प्रेफर करते हैं, तो वो तो हमारे बिहार में भी करते हैं, और लाइक बहुत सिमिलर है। बहुत सारे यहाँ पे बिहार के माइग्रेंट लोग भी हैं जो होटल चलाते हैं यहाँ पे, तो आपको बिहारी स्टाइल खाना भी बहुत ईजिली मिल जाएगा यहाँ पे। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क है। क्या यहाँ पे पेशेंट के साथ आप डायरेक्ट डील कर सकते हो? लाइक क्लिनिकल्स में हम लोग डेली पोस्टिंग होती है 9 to 12, उसमें हम लोग जाते हैं पेशेंट्स के पास, पेशेंट से हिस्ट्री लेना होता है। पेशेंट से हिस्ट्री लेने के बाद हम लोग उन पर एग्जामिनेशन कर सकते हैं पेशेंट से कंफर्टेबली। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट स्टेबल है, तो हम लोग ईजिली उनसे बात कर सकते हैं, उनके आप प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, उन पर एग्जामिनेशन कर सकते हैं। दैट इज अलाउड है। टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली हेयर, लाइक कंपेयर टू बेसिक्स क्लिनिकल्स में ज़्यादा फ्रेंडली हैं टीचर्स। और यहाँ की हॉस्टल एंड फूड फैसिलिटीज़ कैसी हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? अच्छा है, हॉस्टल्स भी अच्छा है, लाइक प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम, बड़ा रूम, अटैच वॉशरूम, लाइक बेसिक्स में जैसे हमें मिलता है। एक रूम में कितनी गर्ल्स रहती हैं यहाँ पे? दो गर्ल्स रहती हैं, और उनके लिए वेल फर्निश्ड होता है पूरा? हाँ, वेल फर्निश्ड होता है। तो मेरे साथ हैं कमल और दीपेंद्र, और आज हम फीडबैक लेने जा रहे हैं काठमांडू मेडिकल कॉलेज का। एक जनरल आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि किस तरह का मेडिकल कॉलेज है, कैसी स्टडीज़ हैं यहाँ पर, आपने ये कॉलेज क्यों सेलेक्ट किया? फर्स्ट थिंग इज दैट सर, काठमांडू यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा कॉलेज है। बताया कि प्राइवेट कॉलेज में से सबसे बेस्ट है ये कॉलेज। यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स आपके साथ कितने हैं? 33। एक बैच में 33 स्टूडेंट हैं। आप पढ़ाई की क्वालिटी से सेटिस्फाइड हैं? ठीक है, कंपैरेटिवली अच्छा ही है सर। अच्छा है, अदर कॉलेज के कंपैरिजन में एकेडमिक बेस्ट है। जी सर, नहीं बताए ग्रेड अदर कॉलेज में तो जैसे लीजर होता है, बहुत सारे पेड़ इधर तो सब पढ़ाई होता है, प्रैक्टिकल ही अच्छा है। प्रैक्टिकल अच्छा है। तो आपके जो ये वाला कैंपस है, इसके बाद आपकी सारी क्लासेस फर्स्ट और ईयर सेकंड ईयर में यहीं पर होती है? यस सर, बेसिक साइंस फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर ऑल क्लास यहीं होते हैं। और ये है काठमांडू मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल कैंपस। यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स के सेपरेट हॉस्टल्स हैं, ट्विन शेयरिंग बेसिस पे रूम्स मिलते हैं, और मेस फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर लोकली अवेलेबल है। टोटल मिला के इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर 33 होते हैं एक साल में, तो इंडियन फूड भी स्टूडेंट्स के लिए इजीली अवेलेबल है। और साथ में ही अच्छा हो उसका FMG सक्सेस रेशो,
तो काठमांडू मेडिकल कॉलेज डेफिनेटली आपका वन ऑफ द टॉप मोस्ट चॉइसेस होना चाहिए। तो ये था हमारा अपडेट काठमांडू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड थैंक यू।